बकायदा यहाँ पे एक प्लेन खड़ा किया गया है। सीट भी यहाँ पे कंफर्टेबल सीट बनाई गई है। अगर जयपुर में आपको बॉलिंग करनी है तो हाउस ऑफ प्ले से अच्छा कुछ नहीं है। छोटी मोटी पार्टी भी करनी हो तो बहुत अच्छी जगह है, बस बहुत अलग अलग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली, क्योंकि आज मैं आ चुका हूँ सबसे बड़े एडवेंचर एरेना सेलिब्रेशन बाय हाउस ऑफ प्ले में, और इसके अंदर हमको मिलने वाला है जयपुर का सबसे बड़ा ट्रैम्पोलिन, डोनट स्लाइड, जिप लाइन और बॉलिंग एक्सेट्रा एक्टिविटीज हमको अंदर मिलने वाली है। नमस्कार, सचिरकाल खमागणी, मैं हूँ आपका दोस्त जयपुर, लेके आ चुका एक नई यूट्यूब वीडियो जिसके अंदर आज हम चलने वाले हैं सेलिब्रेशन बाय हाउस ऑफ प्ले में। अंदर जाके मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक्टिविटी के बारे में। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, और दोस्तों यदि अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में आपको अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए चलते हैं अंदर और हम बताते हैं आपको कि आज हमको सेलिब्रेशन बाय हाउस ऑफ प्ले में क्या क्या हमको अंदर मिलने वाला है। एड्रेस समझा देता हूँ, एसएल मार्ग है लाल बहादुर नगर माता कॉलोनी में, जो हाउस ऑफ प्ले है वो है यदि आप दुर्गापुरा पुलिया के नीचे से आते हैं मालू नगर के लिए जो रोड जाता है तो आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि आप फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने वाली जो रेड लाइट से आते हैं तो भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। प्रॉपर एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप एंटर होते हैं, इस गेट से आप एंटर होंगे और ये इनका जो है शूज़ रखने की रैक यहाँ पे आपको मिलेगी, आपको शूज़ यहाँ पे रिमूव करने पड़ेंगे। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जस्ट आपको पीछे लॉकर की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है, और यहाँ पे आपको ये वाला बैंड आपको हाथ में बंधवाना पड़ेगा। जब आप टिकट लेंगे तो आपके हाथ में ये बैंड बांध दिया जाएगा। तो अभी मैं उस एरिया पे आ चुका हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, जो बॉलिंग का एरिया आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कितने मतलब जो लोग हैं पीछे बॉलिंग करने के लिए उमड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो मतलब देखिए काफ़ी एक अच्छा जो है एंटरटेनमेंट यहाँ पे लोगों का मिल रहा है। आप देखिए इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मेरे पीछे बॉलिंग के जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, और यहाँ पे जो है इसका जो है आपको स्क्रीन पे जो भी आपकी टीम बनती है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। और आप देखिए, आप अभी मैं आपको अंदर भी लेकर चलने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसा क्या माहौल अंदर बन रखा है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि बॉलिंग का रिव्यू कैसा रहा है। आपका नाम सर? संदीप खंडेलवाल। संदीप जी से जानते हैं कि इन्होंने अभी यहाँ पे बॉलिंग कर ली सर आपने? यस। कैसा एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही अल्टीमेट था, बहुत ही ग्रेट। मैं तो फर्स्ट टाइम आया था जयपुर में, मतलब जयपुर में इस जगह बॉलिंग करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा अभी। अच्छा, तो आपके दोस्त भी आए हैं और आप भी आए? हाँ, मैं मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। अच्छा, तो सभी को बढ़िया लगा? बहुत अच्छा, सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे करे। अगर यहाँ पे कोई आना चाहता आप रिकमेंड करेंगे कि हाउस ऑफ प्ले में बॉलिंग करने के लिए आए? अगर जयपुर में आपको बॉलिंग करनी है तो हाउस ऑफ प्ले से अच्छा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छी बॉलिंग प्लेस है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ आप सभी के फेवरेट एरिया, जैसे कि आप मेरे पीछे ट्रैम्पोलिन देख सकते हैं, ये हाफ एरिया पूरा ट्रैम्पोलिन का है और काफ़ी बढ़िया ट्रैम्पोलिन यहाँ पर है। और अभी पीछे देखिए डोनट स्लाइड, जिप लाइन वगैरह भी ऊपर हमको देखने को मिलेगी। तो अभी मैं आपको सब कुछ ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। का नाम बताइए? डॉक्टर ज्योत्सना। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी आप सेकंड टाइम आए यहाँ पे? हाँ, मैं सेकंड टाइम आई हूँ अपने बच्चे को लेके। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी राइड्स है अंदर, बहुत अच्छा जंपिंग जैक वगैरह बहुत अच्छा बना रहा है, ट्रैम्पोलाइन बहुत अच्छी बना रखी है, और सेकंड फूड भी बहुत अच्छा है। आपने फूड भी ट्राई किया है? दोनों बार मैंने फूड। तो आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग आप यहाँ के फूड को देना चाहेंगे? 4.5। तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा फूड भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सिटिंग एरिया आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो मैम अगर जयपुर से या जयपुर कोई बाहर से यहाँ पे आने की आपसे रिकमेंडेशन मांगता है तो आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी जगह है, छोटी मोटी पार्टी भी करनी हो तो बहुत अच्छी जगह है, बस बहुत अलग अलग प्ले एरिया है, बहुत अलग मतलब सेपरेट रूम भी है यहाँ पे,
अच्छे से इन्होंने डेकोरेट भी कर रखा है। तो दोस्तों अभी जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो एडवेंचर आप बोल सकते हैं वो होने वाली है जिप लाइन। अगर जिप लाइन किसी को नहीं पता तो मैं अभी आपको बताता हूँ, आइए मेरे पीछे पीछे हम चलने वाले जिप लाइन के एरिया में। ये देखिए जिप लाइन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हार्नेस है ये हमारी बॉडी के ऊपर बांधा जाता है और ये जो है ये हमको घुमा के वापस इधर ही छोड़ने वाला है। तो क्या आप रेडी है? अगर रेडी है तो कमेंट करके बता दीजिए कि आप हाउस ऑफ प्ले कब आ रहे हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हार्नेस बनाना। भैया हार्नेस एक बार बंद कर दीजिए, ऊपर जाना पड़ेगा अपना, तो ऊपर भी आ जाइए ताकि हम देख सकें। देखिए ये जो हार्नेस है ये बांधा जाता है आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, सेफ्टी का आपका पूरा 100% ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। आप थोड़ा सा ऊपर आ जाइए एक बार। दोस्तों देखिए ये मेरे हार्नेस बन चुका है अभी और हमको सेफ्टी के लिए ये पकड़ना पड़ेगा और चेयर पोजीशन हमको बनानी पड़ेगी तब हम आगे जाएंगे। ठीक बोल रहा हूँ एकदम? ठीक है ओके। डर इतना नहीं लग रहा है पर हाँ जैसे बीच में जाते हैं तो थोड़ी सी आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है, मेरी भी बढ़ गई थी, बट एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही गजब रहा। हाय मेरा नाम विजय राव है और मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत अच्छा एम्बियंस है, बच्चे बहुत खुश हुए हैं यहाँ के और फूड बहुत अच्छा है, अभी बस पास्ता ही लिया है, बाकी तो और ट्राई करेंगे और एवरीथिंग इज़ गुड। प्लीज़ यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें आपकी अपनी फैमिली के साथ में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे हाउस ऑफ प्ले की लगी आप बताइए, बकायदा यहाँ पे एक प्लेन खड़ा किया गया है, प्लेन के अंदर आपकी सिक्योरिटी चेक भी होगा, हालांकि ये डमी है बट लगता असली है। आप इधर आइए, आपका पूरा जैसे कि पूरा सीरीज बाई सीरीज जो चेक इन आपका होता है प्लेन के अंदर वैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर डमी स्ट्रक्चर बना रखा है। अभी मैं आपको अंदर भी लेके चलने वाला हूँ और बिल्कुल कॉकपिट का जो सीन है वो भी अंदर से बनाया गया है। देखिए आप यहाँ पे सीट वगैरह सभी तरीके से यहाँ पे देखिए सीट बिल्कुल जो जो प्लेन में होती है वैसे सीट भी यहाँ पे कंफर्टेबल सीट बनाई गई है और कॉकपिट आप देखिए यहाँ पे डमी कॉकपिट बनाया गया है। आप देखिए ये डमी कॉकपिट है, आप यहाँ पे बैठकर आराम से प्लेन चलाने का जो फील है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप कैमरा थोड़ा पास लेके बताइए, सारे कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों ये है हमारा डोनट, आप नीचे देख सकते हैं, इसमें मेरे को बैठना है और मैं सीधा नीचे जाके वहाँ रुकने वाला हूँ। कैसा रहा सर आपका नाम? शुभम। शुभम, तो शुभम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत डिफरेंट वाइब्स है यहाँ की और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ का कॉन्सेप्ट ये अच्छा लगा कि यहाँ नीचे प्ले जोन है, यहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं और पेरेंट्स वगैरह ऊपर बैठ के कुछ थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं, मतलब दोनों के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बो है। मतलब देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है वो बच्चों वाला है और ये इसके बाद जो है अडल्ट की एक्टिविटीज जैसे ट्रैम्पलिन हो गया, बॉलिंग हो गई और भी बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे डिज़ाइन की हुई हैं। We'll be right back.
सकते हैं यहाँ पे बच्चों का एरिया है, काफ़ी शानदार एरिया यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया गया, और स्पेशली बच्चों के लिए जो एक्टिविटी डिज़ाइन किए गए वो काफ़ी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं हर तरीके की एक्टिविटी आपको बच्चों के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब फैमिली के साथ आने का बहुत अच्छा लगा कि एक टाइम स्पेंड बहुत अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम दोबारा आए, और इवन मैं अपने फ्रेंड्स को भी कंसल्ट करूंगी कि वो सजेस्ट करूंगी कि वो अपने फैमिली के साथ या सिंगल कैसे भी यहाँ आए और एंजॉय करें। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाल कलर के बटन को दबा के कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब, ताकि जयपुर के बारे में आपको अनएक्सप्लोर्ड वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहे। आज हमने हाउस ऑफ प्ले सेलिब्रेशन, हाउस ऑफ प्ले है उसको पूरा